गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 19 अप्रैल 2020 और आज है संडे। आज द हिंदू का एडिटोरियल नहीं आता है, तो मैंने प्रीवियस 7 डेज है, उन 7 दिनों में द हिंदू की, टाइम्स ऑफ इंडिया की, इकोनॉमिक टाइम्स की और इंडियन एक्सप्रेस की वोकैबुलरी, और आज जो इन पेपर्स का वीकली रिव्यू आता है उसमें से वोकैबुलरी ली है, तो इसको डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले आप मुझे खबरी ऐप पे भी फॉलो कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाके आप खबरी ऐप डाउनलोड करके वहाँ हिंदू एडिटोरियल बाय रवि सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे ऑडियोज मिल जाएंगी। तो वहाँ पे आपको पिछले 15-20 दिनों की ऑडियोज मिल जाएंगी, तो वहाँ पे आप ऑडियो सुन सकते हैं, वहाँ पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। इसकी ऑडियो भी आपको खबरी ऐप पे मिल जाएगी। और इस जो अभी वोकैबुलरी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका आपको PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वोकैबुलरी शुरू करते हैं। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है एस्ट्यूट। एस्ट्यूट, ये वर्ड एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई भी व्यक्ति बहुत होशियार होता है, धूर्त होता है या चतुर होता है, तो उसको बोला जाता है एस्ट्यूट, या फिर व्यक्तियों या परिस्थितियों को परखने में कुशल होना, उसको भी क्या बोला जाता है, एस्ट्यूट। उस सेंस में भी एस्ट्यूट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट वर्ड आपका जूनोसिस, ये नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है पशुजन्य रोग, ऐसे रोग जो पशुओं से होते हैं उसको बोला जाता है जूनोसिस। नेक्स्ट वर्ड है आपका कंटेजियस, ये वर्ड एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है संक्रामक रोग, ऐसे रोग जो व्यक्ति के स्पर्श से या उनके संपर्क में आने से फैलते हों। कोई संक्रमित है व्यक्ति तो उसको कोई रोग पहले से ही है जो उससे आगे फैले, जैसे कोरोना वायरस है, तो उस सेंस में यहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ है कंटेजियस। नेक्स्ट वर्ड आपका मेल न्यूट्रिशन, ये वर्ड यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कुपोषण या पर्याप्त भोजन ना मिलने के अभाव में उत्पन्न स्थिति। अगला शब्द है आपका सस्टेन, ये वर्ब के रूप में यूज हुआ है। सस्टेन यहाँ पे मैंने 3 कंटेक्स्ट में लिया है। तो पहला कंटेक्स्ट जो है इसका, वो है कायम रखना, किसी चीज को कायम रहना, किसी बात पे, किसी स्थिति को देर तक अपने मूल रूप में बनाए रखना। और दूसरे कंटेक्स्ट में है किसी को जीवित या स्वस्थ बनाए रखना। और इसका जो तीसरा कंटेक्स्ट है वो है कोई कड़वा अनुभव होना या कोई कड़वा अनुभव भुगतना। तो ये तीनों कंटेक्स्ट में आपको वर्ड का यूज रखना है याद। 2 ही है वैसे तो यहाँ पे कंटेक्स्ट, ये 1, 2 और ये 3, 3 कंटेक्स्ट है, आपको तीनों में याद रखना है, तीनों है। नेक्स्ट वर्ड है आपका सकर, ये हम पिछले कल भी डिस्कस कर चुके हैं। ये वर्ड नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है मुसीबत में किसी की सहायता करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रोक्योरमेंट, ये वर्ड नाउन के रूप में यहाँ पे यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी वस्तु को उपलब्ध करवाना, खरीदना या वस्तु की प्राप्ति करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका हिंडर, ये वर्ड वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के काम में बाधा डालना या किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए कठिनाई पैदा करना, उस सेंस में यूज होता है हिंडर का। नेक्स्ट वर्ड है आपका हाफ, HALVE, हाफ, ये वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज को आधा आधा बांटना या आधा कम कर देना। सॉरी, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो, कोई टाइपिंग मिस्टेक हो तो देख लीजिएगा, कम कर देना है यहाँ पे, या आधा काम कम कर देना आधा किसी चीज को। नेक्स्ट वर्ड है आपका ओपेसिटी, ये वर्ड नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अपारदर्शिता, अस्पष्टता या कोई ऐसी चीज जिसे समझने में कठिनाई हो, उसको बोला जाता है ओपेसिटी। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्यूनिटिव, ये वर्ड एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बहुत कठोर, जिसे झेलना कठिन हो, ऐसे कोई कठोर कदम उठाना या दंडात्मक कदम उठाना, उस सेंस में यूज होता है प्यूनिटिव। नेक्स्ट वर्ड है आपका मल्टीलेटरल, मल्टीलेटरल का मतलब होता है बहुपक्षीय, जिसमें अनेक व्यक्ति या देश की भागीदारी हो। मल्टीलेटरल से मैंने 2 शब्द और ले लिए हैं इससे मिलते जुलते, मल्टीलेटरल।
आगे है आपका वर्ड यूनिलेटरल, इससे मिलता जुलता है देखिए, मल्टीलेटरल, यूनिलेटरल, ट्रायलेटरल। तो यूनिलेटरल होता है एक पक्षीय, एक तरफा, कोई भी काम जो एक तरफा हो या एक व्यक्ति के द्वारा किया जाए। और तीसरा शब्द है आपका ट्रायलेटरल, ये नाउन के रूप में यूज हुआ है, इसका मतलब होता है त्रिकोणीय। अगला शब्द है आपका सेंक्शन, ये वर्ड नाउन के रूप में यूज हुआ है, इसका मतलब होता है किसी काम की मंजूरी। ये भी मैंने तीन कंटेक्स्ट में लिया है वर्ड, तो तीनों अर्थ में आप शब्द को समझिए और याद रखिए। पहला आपका कंटेक्स्ट है किसी काम की मंजूरी, अनुमति या आधिकारिक अनुमति, और दूसरा जो इसका संदर्भ है, दूसरा जो कंटेक्स्ट है उसमें ये यूज होता है किसी नियम या कानून को तोड़ने के लिए दंड देना। और जो आपका तीसरा कंटेक्स्ट है उसमें ये यूज होता है अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन या पालन करने के लिए बाध्य करने हेतु किसी देश के व्यापार पर प्रतिबंध लगाना। तो ये तीनों कंटेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिए हैं, आप तीनों याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड आपका कन्वीन, ये वर्ड वर्ब के रूप में यूज हुआ है, इसका मतलब होता है किसी मीटिंग के लिए लोगों को बुलाना, बैठक आयोजित करना, लोगों को मीटिंग के लिए बुलाना, तो उस सेंस में यूज होता है कन्वीन। नेक्स्ट वर्ड है आपका पैलिएटिव, ये वर्ड नाउन के रूप में यूज होता है, ये भी मैंने दो कंटेक्स्ट में लिखा है यहाँ पे, दोनों कंटेक्स्ट में यूज हो सकता है। पहला जो कंटेक्स्ट है इसका, उसमें यूज करते हैं किसी बीमारी की सेंस में। देखिए, किसी बीमारी में बिना कोई प्रभावशाली इलाज किए बिना उसके दर्द या उसके लक्षणों को कम करना, मतलब वो पूरी तरह तो बीमारी जड़ से खत्म ना हो, पर थोड़ा सा इलाज देना या कोई दवाई देना जिससे पेन थोड़ी सी कम हो जाए या उसके लक्षण थोड़े से कम हो जाए, तो उस सेंस में पैलिएटिव का यूज होता है। और दूसरे कंटेक्स्ट में मैंने लिया है किसी समस्या को कुछ सरल बनाना, कोई समस्या है तो उसको थोड़ा सरल सरल बना देना, बिल्कुल वो समस्या खत्म ना हो पर उसको थोड़ा सा इजी कर देना, सरल बना देना, तो उस कंटेक्स्ट में भी पैलिएटिव का यूज हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका टर्मोइल, ये वर्ड नाउन के रूप में यूज हुआ है, इसका मतलब होता है शोरगुल, खलबली या कंफ्यूजन की स्थिति होना कहीं पे, उस सेंस में यूज होता है टर्मोइल। नेक्स्ट वर्ड आपका फॉसेट, ये वर्ड नाउन के रूप में यूज हुआ है, इसका मतलब होता है नलका, पानी वाला नलका। नेक्स्ट वर्ड आपका नंदलेस, ये नंदलेस वर्ड बहुत बार पेपर में यूज होता है, काफी फ्रिक्वेंटली यूज होता है ये वर्ड नंदलेस, इसका मतलब होता है तथापि, फिर भी या इसके बावजूद भी। नेक्स्ट वर्ड आपका डिस्पैरिटी, ये वर्ड नाउन के रूप में यूज हुआ है, इसका मतलब होता है असमानता या विषमता। अगला शब्द है आपका स्टिमुलस, ये वर्ड नाउन के रूप में यूज हुआ है, इसका मतलब होता है कोई प्रोत्साहनकारी तत्व या किसी चीज को विकास की ओर ले जाना, उस सेंस में यूज होता है स्टिमुलस। नेक्स्ट वर्ड आपका स्ट्रिंजेंट, ये वर्ड एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, इसका मतलब होता है बहुत कठोर कानून या बहुत कठोर कानून और नियम, उसको बोला जाता है स्ट्रिंजेंट। अगला शब्द है आपका न्यूआंस, ये शब्द नाउन के रूप में यूज हुआ है, शायद हमने पिछले पिछली वकैब में भी डिस्कस किया था। न्यूआंस इसका मतलब होता है किसी भी चीज में बारीकियां देखना, कोई बात है उसकी बारीकियों को देखना, या फिर दूसरे अर्थ में इसका मतलब हो सकता है किसी बात में सूक्ष्म भेद होना, उसको देखना, सूक्ष्म भेद हो किसी बात में, तो उस सेंस में यूज होता है न्यूआंस। नेक्स्ट वर्ड आपका टेनट, ये वर्ड नाउन के रूप में यूज हुआ है, इसका मतलब होता है ऐसा कोई सिद्धांत या मत जिस पर दूसरे सिद्धांत या मत आधारित हो, उसको बोला जाता है टेनट। नेक्स्ट वर्ड है आपका कंटेमिनेट, ये वर्ड वर्ब के रूप में यूज हुआ है, इसका मतलब होता है कोई पदार्थ डालकर किसी वस्तु को दूषित कर देना, उसको बोला जाता है कंटेमिनेट। अगला शब्द है आपका सिनिस्टर, ये वर्ड एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, इसका मतलब होता है किसी बुरी घटना, अनर्थकारी घटना घटने का आभास होना, कोई भी बुरी घटना या अनर्थकारी घटना है उसको घटने का आभास हो जाना, उसको बोला जाता है सिनिस्टर। नेक्स्ट शब्द है आपका नाइटमेयर, ये वर्ड नाउन के रूप में यूज हुआ है, ये भी मैंने दो कंटेक्स्ट में यहाँ पे लिखा है, दो कंटेक्स्ट में प्रयोग हुआ है। पहला इसका यूज जो हम कर सकते हैं डरावना या कोई बुरा सपना, उस सेंस में कर सकते हैं, और दूसरा जो इसका संदर्भ है दूसरे कंटेक्स्ट में हम यूज कर सकते हैं बहुत अप्रिय या डरावना अनुभव होना कोई, तो उस सेंस में भी हम इसका यूज करते हैं नाइटमेयर का। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्लैरिक, क्लैरिक ये नाउन के रूप में यूज हुआ है, क्लैरिक
किसी भी धर्म का नेता पादरी है या फिर वो चर्च में है कोई भी, किसी धर्म का नेता होना, धार्मिक नेता होना, नेता को बोला जाता है क्लेरिक। नेक्स्ट वर्ड है आपका इंट्रूड, ये वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इंट्रूड इसका मतलब होता है अतिक्रमण करना, किसी भी अवसर या जगह पर बिना अनुमति के पहुंच जाना, वहां अनुमति नहीं है पर फिर भी पहुंच जाना, या घुसपैठ करना या अनाधिकृत प्रवेश हम बोल सकते हैं, उसको बोला जाता है इंट्रूड। नेक्स्ट वर्ड आपका इनमेट, इनमेट नाउन के रूप में यूज हुआ है, इसका मतलब होता है जेल या हॉस्टल में रहने वाले व्यक्तियों में से कोई एक को बोला जाता है इनमेट। जेल यहाँ तो जेल की सेंस में यूज हुआ पेपर में, या हॉस्टल में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो लोग होते हैं, उनमें से कोई एक, किसी एक को क्या बोला जाता है इनमेट बोला जाएगा। और आज का जो अंतिम वर्ड है, लास्ट वर्ड है, वो है एस्पाउस। ये वर्ड यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हुआ है, इसका मतलब होता है किसी भी बात का समर्थन करना, अनुमोदन करना या अनुमोदन करना, किसी भी बात का समर्थन करना या अनुमोदन करना, ये पेपर में यूज हुआ है। और इस दूसरे कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हो सकता है विवाह और सगाई करने के सेंस में भी। तो ये आज का लास्ट वर्ड था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा चैनल को, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आप खबरी ऐप पे इसका ऑडियो सुन सकते हैं, खबरी ऐप डाउनलोड करके वहां पे आप सर्च करोगे हिंदू एडिटोरियल बाय रवि, तो वहां पे सर्च हो जाएगा मेरा चैनल। तो आप वहां से, वहां प्रीवियस ऑडियोज भी हैं, 20-25 ऑडियोज, तो वहां पे आप देख सकते हो, वहां पे सॉरी आप सुन सकते हो उसको, ऑडियोबल है वो, तो वहां पे आप वो सुन सकते हैं, पिछली ऑडियोज है वहां पे। तो आज के लिए इतना ही था, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।